सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की सुन फ्रेंड्स बताने वाला हूँ पीएनआर बैंक में बैंक अकाउंट को कैसे ऐड करेंगे। आज की सुन फ्रेंड्स बताने वाला हूँ पीएनआर बैंक में बैंक अकाउंट ऐड करने का और पीएनआर बैंक का ट्रेड बैलेंस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। शुरू करें छोटी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद लाइक कीजिए। अगर चैनल पर चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर सेलेक्ट कीजिए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप पीएनआर बैंक का रिटेलर आई डी लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मात्र आपको 1000 रुपये में पीएनआर बैंक की आईडी मिल जाएगी। लाइफ टाइम के लिए पीएनआर बैंक में काम कर सकते हैं, कस्टमर को ढेर सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से वीडियो को मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। चलिए आपको यहाँ पे मैं पीएनआर बैंक एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये पीएनआर बैंक एप्लीकेशन यहाँ पे है, करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे खुलकर पीएनआर बैंक का शो करेगा। शायद में यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद ये प्रोफाइल यहाँ पे थोड़ा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपके पास ऑटोमेटिक ये प्रोफाइल यहाँ पे खुल के आ जाएगा। पूरा सिस्टम वहाँ पे शो होने लगेगा। आपके पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे केवाईसी की डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक केवाईसी YBL की केवाईसी, यहाँ पे PNB केवाईसी स्टेटस, यह सारी शो हो जाएगा। आपको इस साइड में बैंक का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप बैंक अकाउंट को पीएनआर बैंक में ऐड कर सकते हैं, जो बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं। नीचे में ऐड बैंक अकाउंट इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए आपको यहाँ पे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन भरना, जो बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। कोई सा बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं उसका अकाउंट नंबर डालना, कंफर्म अकाउंट नंबर डालना, होल्डर का नाम डालना, किसके नाम से बैंक अकाउंट है, यहाँ पे बैंक का नाम डालना, यहाँ पे IFSC कोड डालना, आपको सबमिट पर क्लिक करना। चलिए पूरी फटाफट से यहाँ पर पूरी डिटेल्स फिल कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास टू ऑप्शन खोला गया है, ऑल IMP ऐसे। यहाँ पे आपको IMPS पे रहने देना है। यहाँ पे पूरे बैंक की आपको लिस्ट आ जाएगी। जो भी बैंक ऐड करना चाहते हो वो बैंक को यहाँ पे सर्च बार में वो बैंक को सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ICICI बैंक वहाँ पे सिलेक्ट करा है। चलिए यहाँ पे मैं ICICI बैंक यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, जो यहाँ पे मैं लिंक करना चाहता हूँ। ICICI बैंक यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे। चलिए मैंने ICICI बैंक पर मैंने क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको इस तरह का इंटरफेस खुल कर यहाँ पे शो करेगा। नीचे में ICICI बैंक का नाम लिखा रहेगा। यहाँ पे ICICI बैंक का IFSC कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिटैक ये कर लेगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा आपको वेटिंग करना पड़ेगा। ये यहाँ पे लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद देखिए आपको यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन होल्डर नेम यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे नेम अकाउंट का आपको यस पे क्लिक करना पड़ेगा। यस पे क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे ये थोड़ा लोडिंग लेगा। लोडिंग में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा ICICI ये बैंक की तरफ से। देखिए यहाँ पे देखिए मेरे पास सॉरी यहाँ पे पीएनआर बैंक की तरफ से OTP आएगा। OTP आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। चलिए OTP फटाफट से मैं फिल कर ले रहा हूँ। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा, वेरीफाई पे क्लिक करना पड़ेगा। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद देखिए सक्सेसफुल ऐड, योर बैंक अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुल ऐड। ये आपके बैंक अकाउंट पीएनआर बैंक के साथ ऐड हो चुका है। आपको देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे अकाउंट नंबर IFSC कोड आपको यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप बचा हुआ है, पीएनआर बैंक से ट्रेड बैलेंस बैंक अकाउंट में कैसे ऐड करेंगे। जो ही बैंक ऐड करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली बैंक की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। जितना बैंक ऐड करेंगे, या 1 या 2 या 3 या 4, जितना बैंक ऐड करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे 100 बैंक हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं बैक आ जाता हूँ। अब मैं बताऊँगा पीएनआर बैंक से ट्रेड बैलेंस बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो चलिए यहाँ से मैं फटाफट से बैक आ जाता हूँ। आपको देखिए यहाँ पर साइड में आपको थर्ड में वॉलेट का ऑप्शन दिखा, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। वॉलेट पे देखिए यहाँ पे टू ऑप्शन आपको दिखा, IMAIN बैलेंस और यहाँ पे ट्रेड बैलेंस। ये जो भी कस्टमर के पैसा निकालते हैं आधार विड्रॉल से, वो आपको बैलेंस यहाँ पे ट्रेड बैलेंस में जमा होगा। जो पैसा IMAIN बैलेंस जो पैसा ऐड करते हैं वो पैसा आपको यहाँ पर फर्स्ट में शो करेगा। जो कस्टमर के आधार कार्ड से निकालते पैसा वो आपको ट्रेड बैलेंस में शो करेगा। ऐसे में ट्रेड बैलेंस में बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके वो देखाऊंगा। यहाँ पे आपको मूव पे क्लिक करना पड़ेगा। मूव पे क्लिक करने के बाद टोटल मेरा रुपये यहाँ पे 98 रुपये 14 पैसा आपको यहाँ पे अमाउंट भरना, जितना अमाउंट आप भेजना चाहिए। जैसे मैं 90 रुपीज़ मैं डाल लेता हूँ। यहाँ पे 90 रुपीज़ डालने के बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर भेजना चाहते हैं या बैंक में भेजना। जैसे मैं बैंक में भेजना चाहता हूँ, मैं से बैंक में मैं क्लिक कर लेता हूँ। बैंक में क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे ये आपको $10 मिनिमम 10 रुपये यहाँ पे आपको
मिनिमम आपको 10 रुपये चार्ज लगेगा, या आपके 25,000 बजे या 10,000 बजे या 15,000 या 20,000 बजे आपको भाई 10 रुपये चार्ज आपको लेगा। जितने बजे उतना ही आपको चार्ज लगेगा, या 2 लाख बजे या 5 लाख बजे वो आपको उतना ही चार्ज लगेगा जितने पैसा सेंड करेंगे 10 रुपये चाहे। जैसे मैं यहाँ पे 90 रुपीज़ में बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, IMPOS NEFT, ये 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। ये IMPS NFT का मतलब ये होता है, अगर IMPS सिलेक्ट करते हैं आपको फर्स्ट टाइम पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, अगर NEFT सिलेक्ट करते हैं आपको थोड़ा लेट में पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। जैसे यहाँ पे मैं अमाउंट यहाँ सिलेक्ट करें, आपको IMPS में सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पे जो बैंक मैंने ऐड करा वो ऑटोमेटिक यहाँ शो कर रहा है, अगर एक से ज़्यादा अकाउंट रहेगा वो यहाँ पर शो करने लगेगा। पूरी डिटेल्स यहाँ पर मैंने भर दिया, आपको यहाँ पर कन्फर्म ट्रांसफ़र पर क्लिक करना पड़ेगा। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे रिटेक करेगा, नहीं तो दोबारा OTP यहाँ पे डाल भी सकते हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे पेनियर बाई की तरफ से OTP आ गया। चलिए फटाफट से OTP यहाँ पे मैं फटाफट से डाल लेता हूँ, जो मेरा OTP यहाँ पे आया पेनियर बाई की तरफ से। यह डालने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना पड़ेगा। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद ये देखिए चेक अन्य एजेंट, यहाँ पे आपको ये चेक कराना, यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करना पड़ेगा। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ये इस तरह का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे खुल कर आ जाएगा। सो आपके पास इस तरह का यहाँ पे डिस्प्ले यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, आपके अकाउंट में ये पैसा 98 रुपीज़ पहुँच गया पेनियर बाई ट्रेड बैलेंस से कटकर ICICI बैंक में। ये मैंने ICICI बैंक में ये पैसा मैंने ट्रेड बैलेंस ICICI बैंक में मैंने ट्रांसफ़र कर 98 रुपीज़ मेरे पास यहाँ पे शो हो गया। 98 रुपीज़ मेरे ICICI बैंक में शो हो गया। यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल्स यहाँ पे 98 रुपीज़ किस डेट को पहुँचा, किस टाइम पहुँचा, वो डेट यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ शो हो जाएगा। यहाँ पे मेरा मैसेज हो गया ICICI बैंक में मेरा 98 रुपीज़ क्रेडिट हो गया पेनियर बाई ट्रेड बैलेंस से। सो इस तरह से आप यहाँ पे पेनियर बाई में बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे ट्रेड बैलेंस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते थे बिल्कुल इजी। आपको कोई भी आपको यहाँ पे फीस आपको यहाँ पे 10 से 9 रुपीज़ आपको इतना फीस देना पड़ेगा तब ये पैसा को आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे। आप लोगों ने सीख लिया किस तरह से पेनियर में बैंक अकाउंट को ऐड किया था, कैसे ट्रेड बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। इस वीडियो में पूरा आप लोगों ने लाइव देखा। अगर ये वीडियो को पसंद लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, मन में जो कन्फ्यूजन है कॉमेंट कर आप नीचे पूछ सकते हैं।